रहमतुल्लाह बरकातहू, ये है ब्राउन राइस, इसका मैंने फ्राइड राइस बनाना है। थोड़ा गैस ख़त्म हो जाएगा बोल के मैंने गोश्त को चावल में ऐड कर लिया था, तो दुआ कीजिए मेरा फ्राइड राइस अच्छे से बने ब्राउन राइस का। तो ये है चिकन, रहमतुल्लाह बरकातहू। तो ये डाइट फूड है तो गोश्त अलग अलग तलते हैं, लेकिन मैंने गोश्त को चावल में ही डाल लिया क्योंकि ये ज़रा गैस कम है मेरे पास, गैस ख़त्म हो जाएगा बोल के डर के मारे मैंने गोश्त को भी इसमें ऐड कर लिया। तो ये ब्राउन राइस है, तो देखिए कितने अच्छे से पका है ये, माशाल्लाह। ब्राउन राइस बिरयानी बोलते इसको, फ्राइड राइस बना रही हूँ मैं। तो मेरा किचन रूम भी हो गया है क्लीन, जब से मैंने मटन और चिकन का सालन बनाया है, आपको रेसिपी डाला है वो भी देखिए, अल्लाह आप लोगों की हर परेशानी दूर रखे। तो ये है ब्राउन राइस, देखा ना आपने, ये ब्राउन राइस को अच्छे से हम अब इसको इन दोनों को फ्राई करेंगे। देखो रहमतुल्लाह बरकातहू, 1 किलो चिकन है ये, 1 किलो चिकन में ऑनियन प्याज कोतमीर करी पत्ता गरम मसाला एकदम थोड़ा डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो पूरा सत्यानाश हो जाता सालन। तो मेरा चूल्हा भी स्टार्ट हो गया है और ये गर्म हो रहा है, तो मैं पहले इसके अंदर अपना ऑनियन डालूंगी, सेल से ही डाल रही हूँ मैं, वीडियो भी मैं ही ले रही हूँ, बना भी मैं ही रही हूँ। तो हम थोड़ी इसमें मिर्ची डालेंगे, पहला होगा ये हादसा जो मैंने सेल से ऑनियन डाला और अपना क्या बोलते अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे, सिर्फ कुछ भी ऐड करना नहीं है इसमें, थोड़ा सा ये ऐड करना है। तो देखिए सीटी बज रही है, मैंने इससे पहले चिकन तंदूरी बनाया था, तो जब क्या हुआ था मालूम, वीडियो असली वीडियो गायब हो गई थी मेरी, तो मैं अब दो दो वीडियोस बना रही हूँ इसलिए आप लोगों की ऐसे खास। ये है अंडा, मैं इस पे डाल रही हूँ अंडा, रोटी के साथ खाएंगे हम। कितना अच्छे से बड़ा बना है अपना अंडा, तो किचन रूम भी हो गया है क्लीन। तो अब हम उस अंडे को थोड़े धीरे धीरे पलटा लेंगे, अंडा और रोटी खाएंगे। आज मैं ज्वारी की रोटी खा रही हूँ हेल्थी हेल्थी, और मसूर की दाल भी बनाना है मुझे। इस ज्वारी की रोटी को हम क्या करेंगे इसके साथ, अल्लाम रहमतुल्लाह बरकातहू, दिल धर 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 धड़क रहा, देखो मुर्गी का यानी कि दिल उसका मुर्गी का। तो इसको अच्छे से साफ करके खाएं हम, और इसमें जहर रहता है ये नसों में, ये नशा निकाल दें, क्योंकि नशा निकालने से जहर नहीं फैलता बॉडी में अपने, तो हमेशा ये नशा निकाल कर खाएँ और दुनिया से कोरोना वायरस को दूर करें। और आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका दिल धड़कता नहीं बोल के, तो काटने के बाद में भी 2 घंटे तक जिंदा रहता है इसका दिल। तो इसका पॉइंट है देखिए, यहाँ से दिल पास, दिल में खून पास होता है, यहाँ से बनता अपना खून। तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं भी एक डॉक्टर हूँ घरेलू, तो देखो हाथ के अंदर रहता तो अपन एप्पल जो रहता ना उसका छिलका ना खाएँ, छिलके खाने से जम जाता खून। तो ये है लीवर, तो चिकन को और हाथ को अच्छे से धो करके खाएँ, और देखो एक एक पीस धोकर खाएं। हमारा किचन रूम भी हो गया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से पका है अपना चिकन, दो तरफ पकाया है मैंने, पहले 4 सीटी फिर 4 सीटी। दुआ में याद रखिए जरीन खान को, अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करे और कोरोना जैसी बीमारी चले जाए। ये सालन अपन अपने रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। और एक बात, जब अपन कुकर में गोश्त डाल के चढ़ाते ना, तो दो बार कुकर खोल के हलाइए, क्योंकि एक साइड गोश्त पकता है एक साइड नहीं पकता, समझ गए होंगे आप लोग, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो एक बार अच्छे से फ्राई करके फिर दोबारा फिर से इसको पैन में वापस करके फिर से डालें, एक साइड पकता नहीं तो गोश्त, दो साइड पकना बोले तो दो बार 4-4 सीटी पकाइए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए जरीन खान को। देखा ना आपने कितना ज़बरदस्त पका है सालन चिकन, आप बोलिए इसका नाम क्या रखूँ मैं, खड़े मसाले।
सब अपन लोग लेट बैठे ना इसलिए। अच्छा बना था लोग गोश्त गरम गरम अच्छा दिख रहा है। आप गरम है देखो लोग, वो बिरयानी नहीं खाई जाती ठंडी, थोड़ा हड्डिया डालो, हड्डी वाली डालो। हाँ वेरी गुड है सब। एक नंबर छोटा सा टमाटर देखिए कैसा है, मेरे ऊपर गिर गया पूरा। भैया थोड़ा एक कड़क वाली फिश लाओ ना।